अभी जो आपको सड़क दिखाई दे रही है ये पटना का फास्टेस्ट डेवलपिंग सगुना टू खगौल ए टेलिन सड़क है। देखिए सामने पटना का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है। जी हाँ, ये सबसे बड़ा मॉल मुंडेश्वरी का बन रहा है और बगल में वाटर पार्क है और इसी के जस्ट सामने डीएवी स्कूल है और डीएवी स्कूल से मात्र चंद कदम की दूरी पे मात्र वॉकिंग डिस्टेंस कर सकते हैं आप 300 लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पे हम आपको एक बहुत ही प्यारा सा रेसिडेंशियल प्लॉट दिखाने लाए हैं दोस्तों, जिसमें दो लोग भी मिलके आराम से ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्रॉपर्टी चैनल अभिषेक बिहारी जोन में। ज़मीन मकान फ्लैट का वीडियो हर दिन देखने के लिए पटना के अलग अलग लोकेशन में वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, काइंडली सब्सक्राइब। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, निवेदन है वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, पूरी जानकारी आपको विस्तार में दी जाएगी। बस यही रोड है दोस्तों, बिल्कुल एटलेन से कनेक्टिंग ये रोड है जो अपने प्लॉट की तरफ चली जा रही है। हम बता दें दोस्तों, ये रजिस्ट्री प्लॉट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसमें लोन की भी फैसिलिटी आपको उपलब्ध होने जा रही है। चलिए हम प्लॉट पे आ गए हैं, देख सकते हैं जिन्होंने भी ज़मीनें खरीदी उन लोगों ने अपना मकान बनाना शुरू कर दिया है। अभी जो रोड दिखाई दे रही है आपको, ये 16 फीट की चौड़ी सड़क है। जी हाँ, देख सकते हैं 16 फीट की चौड़ी सड़क पे आपको जो प्लॉट हम दिखाने जा रहे हैं, ये 2 कट्ठे का प्लॉट है दोस्तों। जी हाँ, 2 कट्ठे का ये प्लॉट होने जा रहा है। यही आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये प्लॉट रहा, देख सकते हैं 2 कट्ठे का साइज का ये प्लॉट मिलने जा रहा है दोस्तों। 2 कट्ठे में अगर फ्रंट की बात करें दोस्तों, तो 54 फीट का आपको फ्रंट मिलने जा रहा है। जी हाँ, 54 फीट के फ्रंट के साथ में ये 2 कट्ठे का आपको प्लॉट मिलने जा रहा है। यही प्लॉट रहा, देख सकते हैं। इसके फेसिंग की बात करें, इसका जो फेसिंग आपको मिलेगा वेस्ट, जी हाँ पश्चिम, महज 300 मीटर की दूरी पर ही आपको मिलने जा रहा है। यही प्लॉट रहा दोस्तों, सारा मट्टी वगैरह फिलिंग कराया जा रहा है। पश्चिम फेस के साथ 2 कट्ठे का प्लॉट, वेस्ट फेसिंग के साथ में 16 फीट का रोड पे आपको ये मिलने जा रहा है। इसलिए अगर ये प्लॉट आपको पसंद आ रहा है और आप इसकी विजिट करना चाहते हैं और इसका प्राइस जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हमारे पर्सन का नंबर दिया हुआ है, उनको कॉल करके बाकी की जानकारी आप विस्तार में ले लें।